चूहा की। जंगल का राजा शेर खा पीकर आराम से एक पेड़ की छांव में सो रहा था। तभी कहीं से एक नटखट चूहा वहां आ पहुंचा और खेलने लगा। खेलते खेलते वह शेर के ऊपर चढ़ गया। कहीं वह शेर के पीठ पर दौड़ता तो कभी सिर पर चढ़ जाता, कभी वह उसके कान पर झूलता तो कभी पूंछ से खेलता। उसे बड़ा मजा आ रहा था और उसकी उछल कूद बढ़ती जा रही थी। नटखट चूहे की हलचल से शेर की नींद टूट गई। आंख खोलकर उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर खेल रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे में दबा लिया। शेर के पंजे में आते ही चूहा डर गया और थर थर कांपने लगा। शेर बोला, बदमाश चूहे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जंगल के राजा शेर के नींद में दखल डाले, अब तेरी खैर नहीं। मरने के लिए तैयार हो जा, अब मैं तुझे मार कर खाऊंगा। मौत सामने देखकर चूहा गिड़गिड़ाने लगा। वनराज, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझ जैसे छोटे से प्राणी को खाकर आपको क्या मिलेगा? आपका पेट तो भर भी नहीं पाएगा। कृपा कर मुझे छोड़ दीजिए, अवसर आने पर मैं अवश्य आपके काम आऊंगा। चूहे की बात सुनकर शेर हंसने लगा और बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझसे बलशाली इस पूरे जंगल में कोई नहीं। तू छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा, लेकिन फिर भी मैं दया करके तुझे प्राण दान देता हूँ। मेरी नजरों से दूर हो जा और आइंदा कभी मेरी नींद में दखल मत डालना। चूहा धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। कुछ दिन बीते। एक दिन शेर जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था कि वहां एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। उसने बहुत प्रयत्न किया किंतु जाल से बाहर नहीं आ पाया। वह मदद के लिए दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ वहां से गुजर रहे एक चूहे के कानों में पड़ी। यह वही चूहा था जिसे शेर ने प्राणदान दिया था। चूहे दहाड़ की आवाज सुनकर उस दिशा में गया तो शेर को जाल में फंसा हुआ पाया। उसने फौरन अपनी नुकीली दांतों से जाल काट दिया और शेर आजाद हो गया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया तो चूहा बोला, वनराज, आप शायद मुझे भूल गए हैं। मैं वही चूहा हूँ जिसे आपने प्राणदान दिया था। मैंने आपको कहा था कि किसी दिन मैं अवश्य आपके काम आऊंगा। देखिए, आज मैं आपके काम आ ही गया। शेर को वह दिन याद आ गया और उस दिन की अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ कि जिस चूहे को उसने तुच्छ समझा था उसकी सहायता से ही वह शिकारी से बच पाया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली सीख, बाहरी स्वरूप देखकर किसी की योग्यता का आंकलन नहीं करना चाहिए। और दूसरी सीख, उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता, किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।